अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ये देखें, शरीम स्कूल से आ गया और थोड़ी देर सो के उठा है, अब ये ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ जो है ना मैं खाना बना रही हूँ। घर की भी साफ़ सफ़ाई ऑलमोस्ट मैंने की है, बस ये शरीम का बैग है, कुछ कपड़े मैंने वॉश किए और यहाँ जो है ना फटाफट मैं रात के लिए सालन बना रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है अपने सिस्टर के घर। और सालन में मैं बना रही हूँ लौकी और चने की दाल, जो कि मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम पहले और काफ़ी टाइम मतलब बार बार मैंने आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर किया है। तो आज मुझे याद नहीं था, अचानक से याद आया तो मैंने आप लोगों के लिए जो है ना ये क्लिप्स लिया। और इंशाल्लाह कल जो है ना एक न्यू व्लॉग में आप लोगों के साथ एक नई चीज़ जो है ना मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। पहले जो है ना मैं सालन देखूं रेडी है कि नहीं, और आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, तो वहाँ अगर आप लोगों के लिए क्लिप ले सकी तो मैं ज़रूर लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह ऑलमोस्ट रेडी है। बस शोरेंग ट्यूशन से आए तो उसको रेडी करके मैं निकलूँगी। इसका थोड़ा सा पानी रह गया, वो ड्राई होगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। और ये कुछ हरी मिर्चें, कहाँ जा रहे हो? मैं खाला के घर। मिस्टर खाला ये पहनो। नहीं देखें, मैं आ गई अपने सिस्टर के घर और यहाँ देखें शुरेन जो है ना बच्चों के साथ माशाल्लाह बहुत जो है ना इंजॉय करता है, और साथ में इब्राहिम भी है और उमर भी, और ये बस अपने खेल में लगे हुए हैं। और मैं यहाँ बैठ के जो है ना गर्मी में, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मैं समझ रही थी मेरे घर में बहुत है लेकिन हर जगह इतनी गर्मी है। और ये तो उसके बाद ये जा रहा था बार बार बाहर, तो मैंने इसको मना किया कि बाहर बिल्कुल जो है ना रोड है यहाँ नहीं खेलो। तो मैं इसको लेके आई ऊपर वाले पोर्शन में, तो ये ऊपर वाला पोर्शन है मेरी सिस्टर के घर का। और यहाँ जो है ना दोबारा शरीम बाहर गया है, मुझे तो पता भी नहीं था वो किस वक्त जो है ना वो बाहर निकला है, तो उसके पीछे मैं भी आई हूँ। और इतना अंधेरा है बाहर, नज़र ही नहीं आ। और मैंने इब्राहिम को बुलाया, मैंने कहा बाहर नहीं खेलो, अंदर आके खेलो। और मैंने से पूछा शुरेम का है, तो उसने कहा ये देखें शुरेम इतना भाग दौड़ में ये थक गया है। और साथ में जो है ना अनान भी इसके पास आके बैठ गई है। और ये देखें शुरेम सीढ़ियों पे ही लेट गया और अपने सारे कपड़े जो है ना इसने गंदे किए। आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।